मेरा नाम प्रकृति सिंह है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ डॉक्टर आरएमएल आईएमएस लखनऊ में, और ये है डॉक्टर एससी राय हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग। और यहाँ मीटिंग खड़े हैं, ये बॉयज़ हॉस्टल है, ये गर्ल्स हॉस्टल है और ये आईएमएस। तो गर्ल्स हॉस्टल 12 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। इसके बगल में ये जो ब्लू कलर की बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज़ द एडमिन ब्लॉक, यानी प्रशासनिक भवन है ये, जहाँ पर काफ़ी ऑफिसेज वगैरह हैं। गर्ल्स हॉस्टल में 3rd to 6th फ्लोर डेडिकेटेड है हॉस्टल के लिए, और ये जगह है गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल के बीच में, जहाँ पर एक मार्बल पाथ है जहाँ पर सब लोग बैठ के चिल करते हैं। बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं जैसे कि दिख रहा है। फिर इससे आगे चल के यहाँ पर पीछे से पार्किंग है बॉयज़ हॉस्टल की। ये है साइड व्यू गर्ल्स हॉस्टल का, और ये साइड से बॉयज़ हॉस्टल दिख रहा है। अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल में जाने से पहले बॉयज़ हॉस्टल का रिसेप्शन ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो देख लेते हैं। ये बेसिकली एक वेटिंग एरिया टाइप का है, और यहाँ पे सारी डिलीवरीज वगैरह आती हैं। ये है लिफ्ट वाला एरिया। इसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बॉयज़ हॉस्टल है तो मैंने बट फर्स्ट फ्लोर पर मेस है और कैंटीन है, वो मैं दिखा सकती हूँ बट वो मैं कैंपस टूर में दिखाऊंगी तो इस वीडियो में नहीं। और क्या, अब चलते हैं गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। ये बस एक छोटा सा एडिट है जो कि मैंने बस बना दिया, आई डोंट नो व्हाई, सो लेट्स गो। गर्ल्स हॉस्टल में ग्राउंड फ्लोर पे ये लिफ्ट है जहाँ पर इन टाइम और ये सब लिखा हुआ है। ये गार्ड का एरिया है जहाँ से एंट्री अलाउड सिर्फ गर्ल्स को ही होती है, और ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग भी है। ये तो अब हम लोग ऊपर चलते हैं। 3rd फ्लोर पे मेस है, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर और 6th फ्लोर में हमारे रूम्स हैं। तो अभी हम 4th फ्लोर पे चलते हैं। ये हमारी गार्ड आंटी हैं। ये लिफ्ट वाला एरिया है, नोटिस बोर्ड और सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पे, जिससे एंट्री वगैरह दिखती है कौन एंटर करा है कौन नहीं। हॉस्टल वार्डन ये सब मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेयरकेस है, फायर एग्जिट है ये, मतलब काफ़ी बड़ी सी। तो ये एक और गेट है जो कि रात को 9:30 के अराउंड बंद हो जाता है। ये गार्ड का छोटा सा एरिया है जहाँ पे एंट्री रजिस्टर, सैनिटाइजेशन वाला सामान रखा हुआ है। ये थर्मल मॉनिटरिंग के लिए जो डिवाइस है, इससे हर सुबह हम लोग का टेम्परेचर लिया जाता है। ये हॉलवे है जो कि सारे हॉस्टल्स का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। रूम के बाहर आप अपना सजा सकते हो, अंदर बाहर दोनों ही ऑब्वियसली। और अब हम लोग ए ब्लॉक में हैं। अभी वो टर्न जो पीछे दिख रहा है उसके नेक्स्ट, उसके और आगे जाके बी ब्लॉक है। ए ब्लॉक में टोटल 15 रूम्स हैं और बी ब्लॉक थोड़ा छोटा है, उसमें 8 रूम्स हैं। अभी हम लोग ए ब्लॉक का वॉशरूम और बी ब्लॉक दोनों का ही वॉशरूम देखते हैं। यहाँ पे ये वॉश बेसिन और छोटा सा शीशा है, और इस साइड पे बाथरूम्स हैं और दूसरे साइड पे टॉयलेट्स। और जो टॉयलेट्स हैं वो 2 इंडियन और 2 वेस्टर्न हैं, और एंड में एक चेंजिंग रूम टाइप का है। और जो बाकी के बाथरूम्स हैं वो 4 इन नंबर हैं, और इसमें गीज़र, शावर ये सब लग लगा हुआ है पहले से, और काफ़ी क्लीन है। ये है ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच में एक छोटा सा एरिया जहाँ पर वाटर कूलर, प्योरीफायर और ऑफकोर्स ब्रश करने की जगह है हमारी। और यहाँ पर एक कॉमन डस्टबिन भी है। डस्टबिन वैसे सबके रूम के बाहर इंडिविजुअली भी लगे रहते हैं। 3rd फ्लोर पे चलते हैं, 4th पे हैं अभी हम, मेस में चलते हैं, 3rd फ्लोर पे आ जाओ। सीढ़ियों से मेन मोस्टली हम लोग लंच करने सीढ़ियों से ही जाते हैं क्योंकि ये 2 फ्लोर का ही डिफरेंस है, तो लिफ्ट नहीं लेते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चलती है शाम के टाइम पे दोनों, क्योंकि बिल्डिंग के आर पार काफ़ी हाई राइज है इसलिए काफ़ी हवा चलती है। खैर, अब ये है 3rd फ्लोर का डाइनिंग हॉल की एंट्री, और ये रही 3rd फ्लोर फायर एक्सटिंग्विशर एंड ऑल के साथ। यहाँ पे लेफ्ट में जो डोर दिख रहा है वहाँ पे एक वॉशरूम भी है जो हम लोग बाद में ऐसे बाहर आते समय देखेंगे। सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पर रोटी वगैरह बनती है। इसके पीछे काफ़ी बड़ी सी मतलब कुकिंग एरिया है,
और वो वाटर बाथ है स्टील का मेरे बगल में, यहाँ पर फूड गर्म रहता है। रूम्स टू सीटर या फिर थ्री सीटर होते हैं, और मैं अपना रूम अभी नहीं दिखा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मेसी है मेरा रूम ऑनेस्टली। एक क्लिप मैं डाल दे रही हूँ जो कि स्टार्टिंग में जब मेरा रूम मिला था तब की है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, मेस से बाहर आते ही इस साइड पर मेरे वॉशरूम है, इसको भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है हालांकि, बट यहाँ पर एक शीशा है, काफ़ी बड़ा सा शीशा। अब हम लोग पीछे चलते हैं, सेम फ्लोर पे ये गैलरी के साथ पीछे जुड़ा हुआ एक एरिया है ये वाला। यहाँ पे हम लोग डांस प्रैक्टिस और काफ़ी ऐसे डीजे नाइट टाइप के कर लेते हैं, मतलब एक दो बार कभी कभी गैदरिंग हो जाती है। और ये जो डोर लॉक्ड है अभी, इसके पीछे मेस जितना ही बड़ा एक कॉमन रूम है जहाँ पर पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। हाँ, इस क्लिप में मैं भाग रही हूँ क्योंकि 10 बज चुके थे और हम लोग लॉक हो गए थे, बट फॉर्चुनेटली मैं सही टाइम पे पहुँची और मेस वाले भैया ने हमारा लॉक खोल दिया। तो आज के दिन में ये टूर हुआ था, नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे टेरेस पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये पार्किंग को क्रॉस करने के बाद पीछे का दरवाज़ा है जो कि अभी लॉक्ड है। इसके पीछे काफ़ी ग्रीन सा एरिया है, वहाँ पर सब लोग वॉक करते हैं। तो पीछे वाली लिफ्ट से हम लोग चल रहे हैं टेरेस पे। वहाँ की जो बिल्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मतलब बहुत फाइनली मास्क अब ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं है ऑब्वियसली उतार सकते हैं, वरना मास्क पहनना ही ज़रूरी है। और ये है एकेडमिक ब्लॉक, इतना बड़ा सा, और ये वो रोड है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है जिसमें हम वॉक कर सकते हैं। ये काफ़ी सुंदर लग रही है रोड। वो वहाँ पर है हाई कोर्ट और ये हमारा कैंपस है, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है काफ़ी बड़ा सा। और अब यहाँ पे क्या, वो छोटा सा बॉयज़ हॉस्टल पतला पतला दिख रहा है। ये ए ब्लॉक है बिल्डिंग का, यहाँ से वो टर्न लेती है। अराउंड आधे घंटे तक इधर उधर अजीब तरीके से गिरने के बाद हम नीचे गए हैं। इनफैक्ट आधा घंटा नहीं, उससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पाइप्स का लेआउट था हर जगह और मुझे काफ़ी नई नई चीज़ें दिख रही थी क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार आई थी। ऑडियंस के लिए आप चढ़ जाइए सबके। अब हम इस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। जाओ नीचे आ जाओ। नहीं हुई है यार जमीन पे, मैं इससे ज्यादा ब्लूपर्स के लिए मैं खतरा में हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अब देखो हिल रही है यार लिटरली। और ये रहा राइट साइड की तरफ से व्यू जिसमें मेनली ग्रीनरी दिख रही है। क्या ही, अब थोड़ा सा अंधेरा होने लग गया गाइस, तो वापस नीचे चलते हैं। अरे दिख रही है थोड़ी बहुत। ओके सो दिस वाज इट, कमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट अ सिमिलर कैंपस टूर एंड if you have any suggestions, you're most welcome. Okay, bye-bye.